हाँ बच्चों, आप लोगों को संसद के विषय में पढ़ाया जा रहा था। पिछले वीडियो में संसद के कितने अंग होते हैं? संसद के तीन अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। पीछे हम बता चुके हैं लोकसभा के विषय में, राज्यसभा के विषय में। आज हम राष्ट्रपति के विषय में चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम देखते हैं कि भारतीय संविधान में भाग 5 के अध्याय 1 में अनुच्छेद 52 के तहत राष्ट्रपति के विषय में चर्चा की गई है। राष्ट्रपति के विषय में कहा जाता है कि यह संघीय कार्यपालिका का सर्वोच्च वैधानिक पदाधिकारी होता है और यह भारत का प्रथम नागरिक होता है। संघ की संपूर्ण कार्यपालिका शक्ति संवैधानिक रूप से राष्ट्रपति में निहित होती है, लेकिन वास्तविक रूप से इसका प्रयोग प्रधानमंत्री सहित मंत्रिमंडल करता है। यहाँ ध्यान देने वाली बात है, यहाँ संवैधानिक रूप से राष्ट्रपति में निहित होती है और वास्तविक रूप से इसका प्रयोग प्रधानमंत्री सहित मंत्रिमंडल करता है। इसीलिए कहा जाता है कि राष्ट्रपति यहाँ संवैधानिक रूप से प्रमुख तो है, लेकिन शक्तियाँ जो है वास्तविक रूप से प्रधानमंत्री में निहित रहती हैं, उसके मंत्रिमंडल में निहित रहती हैं। हम आगे देखते हैं कि इनका निर्वाचन कैसे होता है। इनके निर्वाचन के विषय में संविधान के अनुच्छेद 54 में निर्वाचन के विषय में चर्चा की गई है। अब बात आती है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में निर्वाचक क्या योग्यताएं होनी चाहिए, सदस्य की क्या योग्यताएं होनी चाहिए। तो पहला, वह भारत का नागरिक हो, या हम कह सकते हैं कि अगर जो व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं है वह राष्ट्रपति का चुनाव नहीं लड़ सकता है। दूसरा पॉइंट, वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, या हम सरल शब्दों में कहें कि 35 वर्ष से कम के व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। तीसरी बात, लाभ के पद पर ना हो, लाभ के पद पर चाहे वह भारत सरकार के अधीन हो या राज्य सरकार के अधीन हो, अगर वह लाभ के पद पर है तो वह व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकता है। चौथी बात, संसद या राज्य विधानमंडल का सदस्य न हो, या संसद या राज्य विधानमंडल का अगर कोई व्यक्ति सदस्य है तो वह चुनाव नहीं लड़ सकता है। पांचवी बात, व्यक्ति का नाम 50 निर्वाचकों के द्वारा अनुमोदित होना चाहिए और 50 निर्वाचकों के द्वारा उसका नाम प्रस्तावित होना चाहिए। तो ये हो गई योग्यताएं। हम देखते हैं कि आगे राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन से लोग भाग करते हैं, राष्ट्रपति का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है या अप्रत्यक्ष रूप से होता है। तो निर्वाचन मंडल में निर्वाचन के तहत ये देखते हैं कि इनका चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है, जिसमें जनप्रतिनिधि भाग लेते हैं, उसको हम कहते हैं आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा इनका चुनाव किया जाता है। आगे के वीडियो में हम बताएंगे कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली होती क्या है, इसके विषय में एक वीडियो पूरा बनाया जाएगा। हाँ, आगे देखते हैं कि निर्वाचक मंडल में कौन कौन से लोग शामिल होते हैं जो राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। सबसे पहले, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं, मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं। दूसरी बात, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। यहाँ भी निर्वाचित शब्द आया है, इसलिए ये आप जानिए कि मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं। तीसरी बात यह है कि दिल्ली और पांडिचेरी
के निर्वाचित सदस्य भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। पहले यह व्यवस्था नहीं थी, लेकिन 17वें संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली और पांडिचेरी विधानसभा संघ शासित प्रदेश के लोग जो हैं, इसमें संघ शासित प्रदेश के निर्वाचित सदस्य जो हैं इसमें भाग लेते हैं। पदावधि, तीसरा पदावधि कि कितने दिन के लिए राष्ट्रपति का चुनाव होता है, पदावधि के विषय में अनुच्छेद 56 में व्याख्या किया गया है। उसमें बताया गया है कि राष्ट्रपति जो होते हैं वो 5 वर्ष के लिए चयनित होते हैं। चौथी बात शपथ, इनका शपथ अनुच्छेद 60 में इसका वर्णन है कि सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश जो होता है उसके समक्ष राष्ट्रपति अपना शपथ ग्रहण करता है। अगर सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश मौके पर नहीं है तो सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष राष्ट्रपति अपना शपथ ग्रहण करता है। ये इतनी ही बातें इस वीडियो में बताई गई। आगे के वीडियो में राष्ट्रपति के विषय में और सारी बातें बताई जाएंगी, क्योंकि ये वीडियो लंबा हो जाता है, इसी वजह से इसको यहीं पे समाप्त करते हैं। आगे के वीडियो में हम इसको आगे लेके चलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।